इस बात को अपने आप में जिया है कि संगठन सर्वोपरि है और संगठन प्रथम है, और इसलिए वो आवश्यकता पड़ी है। उन्होंने व्यस्ततम समय में भी संगठन के लिए प्रथम प्रायोरिटी रखते हुए प्रथम दर्जे का पार्टी कैसे बढ़ सकती है और कल पार्टी कैसे और आगे बढ़ सकती है इसकी चिंता करते हैं, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी। उनका होने के बावजूद भी हमारे संविधान के अनुच्छेद 9 के तहत हमें हर 6 साल पर सदस्य होने के बावजूद भी हमें फिर से श्री मोदी जी के कार्यक्रमों द्वारा 25 सितंबर तक चलेगा और फिर दूसरा चरण 1 अक्टूबर से शुरू होगा, 15 अक्टूबर तक चलेगा, और भारतीय जनता पार्टी के प्रति आस्था देखकर मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस बार का सदस्यता अभियान भी 10 करोड़ से ज्यादा होते ही चुनाव में भाग ले सकते हैं। यह हमारी संविधान की रचना है, तो इस तरीके से इस कार्यक्रम को चलित कर किया जाएगा। मित्रों, आज जो आप देख रहे हैं कई राज्यों में आंदोलन भी चल रहे हैं, सदस्यता अभियान वहां पर बाढ़ के कारण थोड़ी रोकी जाएगी, उनकी सदस्यता थोड़े देर से प्रारंभ होगी, लेकिन ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है और सतत प्रक्रिया के माध्यम से इस कार्य को हम करने वाले हैं। सबसे बड़ी पार्टी जब अमित भाई शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उस समय उन्होंने सदस्यता अभियान को प्रायोरिटी पर लिया था। अपने अपने तरीके से काम जरूर करती है, लेकिन यह अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो संगठन के संविधान के अनुसार चलकर प्रजातांत्रिक मूल्यों को जीवित जीकर और प्रजातांत्रिक तरीके से पार्टी को जानी जे आमादेर भारतीय जनता पार्टी एकटा परंपरा जे सांगठनिक प्रक्रिया एटा हलो सदस्यता अभियान। आमादेर আজকে থেকে অর্থাৎ আমাদের 2 সেপ্টেম্বর আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি অনলাইনের মাধ্যমে আমাদের মিস কলের মাধ্যমে আমাদের মেম্বারশিপ সদস্যতা অভিযান শুরু হচ্ছে, এবং তৎসঙ্গে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্য আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামীকাল অর্থাৎ 3 সেপ্টেম্বর সকাল 8:00 আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি কার্যালয় থেকে তার শুভ সূচনা হবে, এবং পর্যায়ক্রমে জেলা মণ্ডল থেকেও সেটা হবে। এবং এই সদস্যতা অভিযান আমরা যে আমাদের লক্ষ্য সারা ভারতবর্ষে প্রায় 10 কোটির উপর টার্গেট রাখা হয়েছে, এবং আমরা এই ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি প্রায় 12 লক্ষ মেম্বারশিপ আমরা করব, এবং সমাজের প্রত্যেকটা বর্গের মানুষকে আমরা এই আমাদের মিস কলের মাধ্যমেই হোক আমাদের পর্চির মাধ্যমেই হোক আমরা সদস্যতা অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়ব। অলরেডি আমাদের যে জেলা প্রশিক্ষণ শিবির, রাজ্য প্রশিক্ষণ, জেলা প্রশিক্ষণ, মণ্ডল প্রশিক্ষণ, এবং গতকালকে আমাদের প্রায় প্রত্যেকটা বুথেই প্রায় 3000-এর উপর বুথে আমাদের মেম্বারশিপের প্রশিক্ষণ শিবির হয়ে গেছে, এবং 3 তারিখ থেকে আমাদের মেম্বারশিপ ড্রাইভ শুরু হবে।